इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस की गुटबाजी पर तंज कसते हुए कहा है कि ये चिंतन शिविर कौन से कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि कोई नहीं जानता कि चिंतन शिविर का आयोजन हुड्डा कांग्रेस, कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस, सुरजेवाला कांग्रेस या फिर रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस कर रही है। उनका मानना है कि हरियाणा के अलावा पूरे देश में ही कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन काटने पर भी तंज कसा और कहा कि इनेलो 5 अगस्त को बुजुर्गों को लेकर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस की होगी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बढ़ाएंगे। कौन सी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो धनखड़ जी? कांग्रेस तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय सिंह की अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई भी अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, उसकी कांग्रेस अलग है। किस कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो? मुझे तो पता चला है कि उन्होंने तो अपने जो प्रदेश पर भारी उसका ही निमंत्रण नहीं दिया। क्या हालत हो रही कांग्रेस में? 31 MLA होते हुए राज्यसभा का मेंबर नहीं बना पाई। क्या एक्शन लिया कांग्रेस ने उनके खिलाफ, जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया था? क्यों नहीं बता रहे वो किसने दिया वोट? कांग्रेस को प्रदेश की बजाय अपनी चिंता ज़्यादा, कांग्रेस को प्रदेश की बजाय अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। प्रदेश में तो कुछ रहा ही नहीं, हालत खराब। बता दें कि जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने अपने चिंतन शिविर में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल को न्योता नहीं दिया था। इसकी वजह थी राज्यसभा चुनाव में जिस विधायक का वोट रद्द हुआ था, विवेक बंसल ने उसका नाम उजागर नहीं किया था, जिससे सभी विधायक नाराज चल रहे हैं। उधर इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने ऐलान किया था कि इनेलो प्रदेश भर में बुजुर्गों को लेकर जिला मुख्यालयों के बाहर प्रदर्शन करेगी और गांव-गांव जाकर प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करेगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।